अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के जिलाध्यक्ष ने छोड़ी भाजपा, बोले यहां तो स्थानीय नेताओं की गुटबाजी हावी है, किसी को कोई सम्मान नहीं मिलता। ऐसे तो उपचुनाव में बीजेपी को मिल सकती है शिकस्त। उन्होंने ये भी कहा कि यदि भाजपा उपचुनाव कराती है तो इसका जिम्मेदार यहां के छुटभैया नेता ही होंगे, क्योंकि ये अपने आप को बहुत बड़ा तीरंदाज समझने लगे हैं। छोटे बड़े का अब बीजेपी में कोई सम्मान नहीं रहा, अनुभवहीन लोगों को देख ले अहम पद। सुनिए क्या कुछ कहा विनोद शर्मा ने। संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। भारतीय ब्राह्मण समाज के जिला अध्यक्ष विनोद शर्मा जी, जो अभी तक भाजपा की विचारधारा में आ गए थे, आज पुनः वो उसका खंडन कर रहे हैं कि वो भाजपा में नहीं। क्यों भाई साहब, क्या आप भाजपा में थे या वैसे ही उनका समर्थन कर रहे थे? देखिए, मैं एक व्यक्तिगत संबंध हर पार्टी के नेता से रखता हूँ, और जिस पार्टी का नेता मुझे समझता है, मेरी पोजीशन को समझता है और मेरे सम्मान को समझता है, उसका भरपूर साथ मैं शुरू से देता चला आ रहा हूँ। बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी है, हिंदुत्व पार्टी है, सनातनी पार्टी है, लेकिन सनातन और हिंदुत्व की ओट में ये छुट भैये नेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मोदी जी गलत कर रहे हैं, कि हमारे मंत्री लोग गलत कर रहे हैं। छुट भैये नेते जो स्थानीय तौर पर हैं, वो अपने आप को इतना तीरंदाज समझ बैठे हैं कि अपने से उम्र में बड़े अनुभवी और एक एजुकेशनिस्ट को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। मीटिंग हो जाती है, संगठन के लोग विधानसभा में बार बार आ रहे हैं, मालूम ही नहीं चलता, हम लोगों को मालूम नहीं चलता। हम बीजेपी के सपोर्टर रहे हैं, एक व्यक्तिगत तौर पे अच्छे उम्मीदवार के भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो किसी की पोजिशन को नहीं समझते। हमें आज तक कोई सूचना नहीं मिली है भाजपा की ओर से कि फला जगह पर मीटिंग है, आप विनोद गुरु आपको आना है। मैं अपने व्यक्तिगत तौर पर, मुझे मालूम चल जाता है कि हमारे कोई मंत्री आ रहे हैं, तो पूरा प्रयास करता हूं उनका सम्मान करने की, रोकने की, और बिना लालच के, कोई लालच नहीं रहा मेरे काम तो मेरे स्तर के काम मैं स्वयं निपटा लेता हूँ, मुझे किसी से ज़रूरत नहीं है काम करवाने की, और आवश्यकता पड़ेगी तो हमारे जो संबंध है उन मंत्रियों के पास हम जाएंगे बाकायदा अपने काम को लेकर। तो जो अभी जो सीएम आए थे इससे पिछली बार, तब आपकी भाजपा में जाने की बात सामने आई थी, अब मतलब स्थानीय नेताओं में ऐसा क्या विरोध इतने कम समय में हो गया जो आप आज एक तरह से विरोध कर रहे हैं उन चीज़ों का? देखिए, मेरा मानना ये है कि किसी पार्टी में, किसी परिवार में हम जा रहे हैं तो परिवार में अपनापन होना चाहिए, और अपना समझें तो जो अच्छा भी लगता है। हम उस परिवार में जा रहे हैं और उस परिवार के सदस्य हमको महत्व नहीं दे रहे हैं, तो मैं किसी पार्टी से बंधा हुआ नहीं रह पाता हूँ। मुझे जहाँ महत्व मिलेगा, जहाँ हमारी बात को प्रमुखता से लिया जाएगा और उम्मीदवार अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल हम सपोर्ट करते हैं। 15,000 वोट बैंक के समझो के जिस तरफ डलवाना चाहूँ उस तरफ डलते हैं। इससे इतनी उम्र में कुछ तो संबंध बनाए होंगे हमने भी, हर आदमी को छोटा समझ रखा है, ये गलत है। तो क्या मान रहे हो, इस बार उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से यदि कोई अच्छा हुआ तो क्या ये वोट बैंक उधर भी चला जाएगा? अभी तो मैं इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि रामनिवास भाई साहब से मेरे पारिवारिक संबंध हैं और उनका मुझ पर पूर्ण विश्वास है कि विनोद शर्मा मेरे साथ में है। यहाँ पार्टी की बात नहीं है, यहाँ एक व्यक्तिगत तौर बात हो रही है। और रहा भाजपा का इतना कार्य, इतना खर्चा, बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि स्टेट के मुखिया को चार बार विधानसभा में आना पड़ रहा है, ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये छुटवइये नेताओं ने माहौल ख़राब कर रखा है क्षेत्र में, लूटपाट कर रहे हैं आराम से, हर कोई काम आ रहा है उसमें परसेंट लेना, ये ले। एक बहुत अच्छा लड़का है और अपने समाज का और सभी वर्ग का हित चाहने की सोच उसकी बनी हुई है, पर ताज्जुब मुझे इस बात का होता है कि उस लड़के के लिए ना तो उस समय कांग्रेस ने महत्व दिया था, 50 गाड़ियां लेके वो कांग्रेस के पास भी गया था, और ना भाजपा ने उसको महत्व दिया था। आज इतनी मेहनत करनी पड़ रही है उस लड़के के पीछे कि प्रदेश के मुखिया को चार बार आना पड़ रहा है, पूरा शासन और प्रशासन अस्त व्यस्त हो रहा है, काफ़ी खर्चा किया जा रहा है। अरे, रेवड़ी की तरह आप मंत्री बना रहे हो, पहले ही एक नई सोच लेकर मुकेश को भी बनने का अध्यक्ष उसको बना देते, और आज भी अगर प्रयास करें उसको अगर बना दिया जाए तो चुनाव भी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मुझे ऐसा लगता है। पूरा वोट बैंक आपके पास आ जाएगा।
तो विनोद जी, आपका ये कहना है कि कराल में जो स्थानीय नेता हैं उन्हीं की वजह से जो नवागत जो भाजपाई आए हैं वो लोग परेशान हैं, यही कहना है आपका? तो क्या आपकी तरह और भी लोग हैं वो भी प्रताड़ित हैं इसी चीज़ से? जी बिल्कुल, हम जो एक अच्छी सोच लेकर और मेरे जैसे कई लोग हैं कराल में क्या विकासखंड में ज़िले में भी हैं जो बहुत कुछ अच्छा सोचते हैं लेकिन उनकी बात को संगठन के लोग और भाजपा के पदाधिकारी ध्यान नहीं देते हैं। वो एक तरह से या तो उनको अनुभव नहीं है किस तरीके से हमको वोट बटोरना है, किस तरीके से हमको अपनी कार्यशैली को आगे बढ़ाना है, वो ये सोचते हैं इन पर कोई पत्तो है नहीं, ये तो फालतू बड़बड़ करने आ गए हैं। तो हम भी हाथ जोड़ लेते हैं, जय हो, चलो आगे। ये बात आप सही कह रहे हैं। अभी जिला उपाध्यक्ष जो थे किसान मोर्चा के भाजपा के, उन्होंने जब इस्तीफा दिया गुटबाजी को बताते हुए, तो जिलाध्यक्ष कह रहे थे कि ऐसे नेताओं की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, एक जिला उपाध्यक्ष पद के नेता की कोई ज़रूरत नहीं, जिलाध्यक्ष बोले, क्या ये बोलना सही था? नहीं नहीं नहीं, गलत, उन्होंने उनका बयान मुझे उचित नहीं लगा। देखिए, एक छोटा सा कार्यकर्ता भी बहुत बड़ा काम कर जाता है पार्टी में, एक वोट पूरा निर्णय ले लेता है कि कौन विधायक बनेगा कौन नहीं बनेगा। उसमें फिर जिला किसान भाजपा किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष पद पर आसीन, मैंने देखा दीपेंद्र सिंह राजावत जी थे, उन्होंने भी कहीं इसी वजह से सही तरीके से सम्मान नहीं मिलना, सही तरीके से उनकी बात को प्रमुखता से नहीं लेना, यही वजह होती है। इसी वजह से एक बहुत बड़ी पार्टी के लोग टूटते जा रहे हैं। अभी मैंने सुना विजयपुर में भी काफ़ी लोग बीजेपी के कांग्रेस में पहुंच चुके हैं। उनके पास अनुभव नहीं है, उन लोगों को पदों पे आसीन कर देना, इस वजह से क्या है निचले स्तर पे खराबी होती जा रही है। हाँ, यानी यहाँ पर एक तरह से अगर बात की जाए विजयपुर विधानसभा के कराल क्षेत्र में बीजेपी के स्थानीय नेताओं की वजह से ये फूट आ रही है। बिल्कुल, इसलिए जो बड़े नेता वो पार्टी छोड़ते हुए जा रहे हैं। क्या होगा, कितना नुकसान होगा विजयपुर विधानसभा में यदि इसी तरह चलता रहा आने वाले समय में उपचुनाव है? हालांकि मेरी सोच ये है कि नुकसान ना हो, क्योंकि ये बहुत अच्छा समय आया है कि हमारी विधानसभा में से चौथा मंत्री भी पांचवा मंत्री भी बनने जा रहे हैं। मैंने कल सोशल मीडिया पर देखा मेवरा जी भी राज्य मंत्री बनने जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक छोटी सी विधानसभा से चार मंत्री हमारे बैठेंगे भोपाल में और क्षेत्र का विकास होगा, फंडिंग आएगी चारों मंत्रियों के लिए, कहीं ना कहीं किसी स्तर से पैसा आएगा, क्षेत्र का विकास होगा। तो मेरी सोच तो ये है कि नुकसान ना हो भाजपा का, बाकी अब भाजपा ही जाने तो हो जाती। तो आपने क्या बीजेपी की सदस्यता नहीं ली थी क्या अभी? नहीं, देखिए सदस्यता की ऐसी बात है विक्की भाई साहब, आप मेरे हैं और मैं आपका हूँ, आपने कहा हमारे साथ चलना है तो बिल्कुल चलेंगे। रही बात भाजपा की नीतियों की, तो कुछ नीतियाँ जो भाजपा की हैं बहुत मेरे मन की पसंद की हैं, अच्छा कार्य हो रहा है। और एक व्यक्तिगत संबंध मेरे भाजपा के विधायकों से रहे हैं और वर्तमान में मंत्रियों से भी मेरे संबंध रहे हैं। उस समय भी मैं आम आदमी पार्टी में था और हमारे माननीय गृह मंत्री मिश्रा जी का पहला आगमन हुआ था जिले में और मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज का जिला अध्यक्ष हूँ, तो एक संगठन की ओर से मैंने उनका एक सम्मान दिया, एक छोटे से रूप में चांदी का मुकुट पहनाकर उनको सम्मानित किया। उस समय भी मीडिया ने काफ़ी कयास लगाए थे कि आम आदमी पार्टी से विनोद गुरु भाजपा में पहुंच गए हैं, ये मेरे व्यक्तिगत संबंध हैं और मैं तात्कालिक निर्णय लेने की क्षमता अपने आप में रखता हूँ, भले मैं पार्टी आम आदमी में रहूँ। जब आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है तो हमें अपना वोट देना है, चाहे भाजपा को दें चाहे कांग्रेस। तो आप स्थानीय गुटबाजी की शिकायत भी मंत्री जी से कर सकते हैं कि चुनाव में बड़ा नुकसान हो सकता है इस गुटबाजी से? जी, मैं मौका देख रहा था और देख भी रहा हूँ, हमारे जो वरिष्ठ हैं वन मंत्री हैं अगर वो इस बारे में सुझाव मांगेंगे मेरे से, हो सकता है उनकी नज़रों में, हालांकि मैं कोई बड़ा नहीं हूँ, तो उनको ऐसा लग रहा हो कि विनोद इतना बड़ा विचार मुझे नहीं दे पाएगा, तो इस वजह से उन्होंने हो सकता है विचार नहीं लिए हो, लेकिन वो लें या ना लें समय आने पर मैं उनको विचार दूंगा कि भाजपा में स्थानीय तौर पर क्या चल रहा है। आप बिल्कुल सतर्क रहें, होशियार रहें, कुछ भी हो सकता है। इस बार उपचुनाव क्या सरल होगा या कठिन होगा विनोद जी? बहुत ही कठिन चुनाव है ये, क्योंकि इस समय आपका बुधनी और विजयपुर
एक ही राशि का है, विधानसभा हैं दोनों, और इनमें क्या है कांग्रेस के सभी जो विधायक हैं और पदाधिकारी हैं पार्टी के संगठन के लोग सभी फ्री हैं इस समय, सबकी नज़र है दोनों विधानसभाओं पर। पड़ेगा कांग्रेस भी अच्छी तरह गिरने के लिए तैयार है विजयपुर विधानसभा को। कांग्रेस की मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसी मेहनत जो कांग्रेस की अब हो रही है, ऐसी मेहनत अगर वो हर विधानसभा में कर दे तो स्पष्ट बहुमत से पार्टी सत्ता में रहती, कांग्रेस की सरकार बन जाती। मैं धन्यवाद देता हूँ कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस के विधायकों को जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, रात दिन एक कर रहे हैं। अगर ऐसी मेहनत वो हर विधानसभा में कर लेते